खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए। बिहार के टूर जिसका सबसे बड़ी संस्था है और सबसे पुरानी संस्था है, यह संस्था 45 वर्षों से कार्यरत है। इतनी बड़ी संस्था अन्य किसी भी स्टेट में नहीं है जो बिहार में है। यह खाद्यान्न व्यवसायियों की सेवा करता रहा है। 45 वर्ष में हर 2 सितंबर को वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें 2 सितंबर श्री राम लखनगुप्त उनकी जयंती मनाई जाती है। दो सत्र होता है। पहला सत्र में राम लखनगुप्त जयंती मनाई जाती है, दूसरे सत्र में इस संस्था का पूरा अधिवेशन होता है, जिसमें बिहार के सभी मंत्रीगण जो संबंधित मंत्री हैं सभी लोग आते हैं। इसमें नीतीश कुमार जी का माननीय नीतीश कुमार जी का स्वीकृति मिली हुई है, वो आ रहे हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगाव आ रहे हैं। यहाँ के जितने मंत्री हैं, सुशील कुमार मोदी, माननीय श्री नंद किशोर यादव, श्री रामनारायण मंडल, श्री प्रेम कुमार, श्री सामदत्त जगदीश सिंह, स्वीकृति मिल गई है। वे लोग इस सत्र को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। व्यवसायों की खास मांग ये है इस समय में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, वो व्यवसायियों पर बहुत खराब असर डाल रहा है और व्यवसायी पलायन होने को बाध्य हो रहे हैं। सरकार से मेरा आग्रह है इस आपराधिक घटना को यथासंभव शीघ्र उसको कम करें। दूसरा है सरलीकरण, जीएसटी का सरलीकरण में ये है कि 1 करोड़ जो व्यवसाय करते हैं उस पर 2% टैक्स लगाया जाता है। जो डायरेक्ट करते हैं, जो किसान हमारे किसानों की खेती किसान खरीदते हैं माल, उनको हम जो माल बेच लेते हैं हम लोग, उस पर 2% टैक्स देना पड़ता है। वो किसानों की बहुत बड़ी बाधा है। यदि 1 करोड़ का हमारे खरीदेंगे नहीं तो 2% टैक्स लगेगा। यदि 50 करोड़ का हमारे खरीदेंगे तो उसमें 1 करोड़ का टैक्स लगेगा, वो संभव नहीं। और किसानों को चेक से देना संभव नहीं है। किसान होते हैं डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट माल खरीद जाते हैं। यही मेरा आग्रह है। उस दिन अधिक संख्या में लोग आते हैं और सभी समझ में सफल होते हैं। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ का वार्षिक उत्सव एवं संघ के अध्यक्ष फाउंडर प्रेसिडेंट स्वर्गीय राम लखन गुप्त जी की जयंती मनाई जा रही है और सभा स्थल है साहू जैन हॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मेरा उस दिन हमारे प्लेटफॉर्म से मांग होगी कि जीएसटी को सरलीकरण किया जाए और प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं घट रही है इस पर सरकार इस पर लगाम लगाए, अन्यथा व्यवसायी पूर्व के भांति पलायन हो जाए। जैसे 15 साल पहले पलायन होने पर लोगों का प्रवृत्ति हो गई थी, उसी तरह इस बार भी गुंजन खेमका और अन्य घटनाएँ को आप देख रहे हैं, जिसमें सैकड़ों घटनाएँ घटी, उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट खाद्यान्न व्यवसायी से और दूसरा है कि 2.1 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन पर 1 सितंबर के बाद 2% उसमें TDS कटेगा, इससे काफ़ी व्यवसायी को प्रभावित होगा और किसान ज़्यादा प्रभावित होगा।